नीट के बाद फर्दर स्टडी का ही प्लान है सर। दूसरों की सोच थोड़ी चलती है, हमें तो अपनी बेटी को पढ़ाना था। मैंने डॉक्टर बन गई मेरी हमारी पोती, बढ़िया लगा है। चरखी दादरी जिले के नजदीक लगते खाचरौली गांव में मैं मौजूद हूं और इस गांव की बेटी तन्नू ने नीट की परीक्षा में 720 नंबर में से 665 नंबर इन्होंने लिए हैं। आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। आपको सबसे पहले कब ऐसा हुआ कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ? 10th के बाद, अब 11th स्ट्रीम में था तब सोचा था। टीचर्स ने मोटिवेट किया था, मतलब फील्ड के बारे में बताया कि आगे इतने इतने स्कोप है जी, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, इसमें बेटर ऑप्शन है, तो पूरी गाइडेंस दी थी। अच्छा, पढ़ाई आपने कहाँ से की? मैंने HD पब्लिक स्कूल से की है, नर्सरी टू 12th जी। अच्छा, वहाँ कैसा इन्वायरमेंट रहा? इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्रेंडली था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो मतलब डाउट होता हम पूछ सकते थे और वो मतलब फ्यूचर के बारे में भी प्रॉपर गाइडेंस करते थे जी। तनु के पापा से भी हम बातचीत कर लेते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। मान्य, मैं तो ये चाहता हूँ हर एक बेटी अच्छा वो करे, क्योंकि आजकल लड़की ज़्यादा वो कर सकती है, जैसे भाई हमने तो बेटियों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आगे क्या कुछ करने वाली हो? अभी तो नीट के बाद फर्दर स्टडी का ही प्लान है सर जी। देखिए, नीट की परीक्षा करने के बाद जो मेडिकल लाइन में काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे अच्छे से एडमिशन लेने में उनको कहीं ना कहीं छूट मिलती है और वो एडमिशन ले सकते हैं। इस वक्त HD पब्लिक स्कूल के जो निर्देशक हैं बलराज फोगाट, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को HD फैमिली की तरफ से, तनु बेटी की तरफ से और खाचरौली समस्त परिवार मौजूद है, आपके सभी दर्शकों को, हम सब जो मौजूद हैं परिवार सहित, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम नमन नमस्कार करते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको भी कि आप इस उपलब्धि पर, चरखी दादरी में तो आपके काफ़ी दर्शक हैं और आप खाचरौली गांव में आए और हमारी इस बेटी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी। सर, आपके स्कूल की छात्रा ने नीट की परीक्षा पास की है, क्या स्टार्टिंग से ही बच्चों को बताया जाता है इस तरह की परीक्षाओं के बारे में? हमेशा स्कूल का मैनेजमेंट और टीचर और प्रिंसिपल सभी इस बात की उम्मीद करते हैं, हमेशा से ही माता पिता से कहीं अधिक, कि उसका विद्यार्थी, उसका बालक सफलता को छुए, वो जिंदगी में सफल रहे, खुश रहे, आगे बढ़े। हर कोई स्कूल चाहता है, हर कोई टीचर चाहता है, और माता पिता का जितना रोल होता है उतना ही टीचर का रोल होता है। और ये जो तनु बेटी है, नर्सरी क्लास में इसने प्रवेश लिया था विद्यालय में, पढ़ाई के साथ साथ अनेक गतिविधियों में हमेशा प्रथम रहती थी। कभी इस बेटी ने, इनके पिताजी बैठे हैं, दादी बैठी है, परिवार बैठा है, कभी हमने इसको ट्यूशन पे पढ़ते हुए या अलग से कोई कोचिंग लेते हुए नहीं देखा। स्कूल में अनुशासित बालिका थी, टीचर की बात को ध्यान से सुनती थी, समझ नहीं आता था तो टीचर से पूछती थी। और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जब कभी वो होशियार हो जाते हैं तो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं तो स्कूल बदल लेते हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ फूल सिंह जी को, पवन भाई को, कि इन्होंने इतना विश्वास रखा कि नर्सरी से 12वीं तक पता नहीं कितनी बार घर में लोग आए होंगे कि आपकी बेटी होशियार है, क्यों ना आप स्कूल बदल लें, क्यों ना आप शहर चले जाएं, क्यों ना आप हॉस्टल में छोड़ दें। इन्होंने HD पर भरोसा रखा और ये जो सफलता है इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे माता पिता आज भी तारीख में ऐसे हैं जो बेटियों पर खर्च ना करके बचत की सोच लेते हैं, लेकिन इस परिवार ने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये बहुत सुशिक्षित और समझदार परिवार है, इस परिवार से बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और मुझे याद है कि जब भी एडमिशन होता था तो तन्नू की उंगली पकड़ के इस गली से, इस चौक से नया बच्चा हर साल जाता था। और हमेशा तन्नू ये कहती थी कि सर, एक बच्चा मेरे साथ और आया है, मेरे चाचा का बच्चा है, मेरे परिवार से आया है। और HD स्कूल नहीं कहते थे खाचरौली में, इस गली में तन्नू का स्कूल कहते थे कि तन्नू दीदी के स्कूल में बच्चे जाएंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में ये और सफल हो, जो जिंदगी में इसने सोचा है इसके सारे सपने साकार हों। इसके माता पिता को, इनकी दादी जी बैठी है मेरी, उनसे बात हुई, आप भी बात करना, वो सभी बहुत ही सकारात्मक सोच के इंसान हैं। और जब आदमी
की सोच अच्छी होती है और उसकी समझ होती है और वो मेहनत करके, बच्चे भी देखते हैं जब अपने माता पिता को घर में खेत में मेहनत करते देखता है बच्चा, तो किताब में मेहनत करता है बच्चा जी। सीख तो असली सीख तो माँ से मिलती है, माँ की गोद से, फिर परिवार के संस्कार होते हैं, फिर स्कूल का रोल होता है, फिर बच्चे की लगन होती है। जो चीज़ें ज़रूरत थी इस बेटी को वो सभी मिली और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपनी मंजिल जो भी इसने सोचा है उसको पूरी करे, कि जब भी इसको टाइम मिले जुलाई के महीने में हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे सभी बच्चों के बीच में, इसको सम्मानित करने का काम करेंगे मैनेजमेंट की तरफ से, और ताकि दूसरी बहनों को भी बताए। और ये बात सत्य है कि गांव जो है, असली जो भारत है वो गांव में बसा है, असली जो होशियार है वो आज भी गांव में है, और यदि गांव के बच्चे को समय पर मार्गदर्शन मिल जाए और गांव के बच्चे को सपोर्ट मिल जाए तो वो चाहे खेल की बात हो चाहे पढ़ाई की बात हो, हर मंजिल हर मुकाम को पा सकता है। जैसे तनु सर ने बताया, आपने बताया कि नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास तक आप एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ आप गई हैं, आपने स्कूल चेंज क्यों नहीं किया? कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी अच्छा था और पढ़ाई भी अच्छी होती थी और डाउट आते तो डाउट क्लियर होते थे और गाइडेंस भी पूरी मिलती थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था कि चेंज करना की सोचे जी। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। आपके जीवन में बतौर मार्गदर्शक किसने भूमिका निभाई? पापा ने और टीचर्स ने। कैसे? मतलब आगे स्कोप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट एक तो होता है कि अपने फील्ड में ही जाना हो सबको। कई बोलते हैं कि चेंज कर लो, ज़्यादा हार्ड है, कंपटीशन है वगैरह वगैरह, बट कभी ऐसा नहीं बोला कि चेंज कर लो या ऐसा कुछ नहीं था। कभी आपके सामने कभी किसी ने नहीं कहा कि बेटी है ज़्यादा मत घुमाइए, बाहर मत पढ़ाइए, टाइम पर शादी कर दीजिए, इस तरह से कई बार विचारधारा होती है गाँव के? वो विचारधारा हमने सोचनी है ना, जो दूसरों की सोच थोड़ी चलती है। हमें तो अपनी बेटी को पढ़ाना था, मैंने तो इसको ये कहा, मैं बेटी कोई बात नहीं, एक साल नहीं हुआ तो दूसरे साल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो फोगाट सर के स्कूल को भाई बधाई देता हूँ, जैसे उन्हीं की नींव रखी हुई है, जो HD स्कूल से नींव तो इन्हीं ने रखी है बच्ची के, तो मैं तो इनको मानता हूँ जी। मैंने तो बेटी को ये कहा चल आगे बढ़े, चलो चुनौतियाँ का तो कोई मतलब ही नहीं। मोनिका जी, आपको तनु की क्या लगती है? तनु की भाभी लगती है। तनु ने नीट की परीक्षा पास की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, जी। मैं तो ये चाहती हूँ सर सभी बच्चे तनु की तरह आगे बढ़ते जाएं। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैक्स टू मैक्स, जब तक काम ना और नींद ना आए, जितना मैक्सिमम कर ये पढ़ती पढ़ती थी, घर का काम नहीं करती थी। अच्छा, पूरा दिन आप पढ़ाई पढ़ते थे? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो सफलता भी मिली आपको? हाँ जी। तो अब क्या करना है जी, हमने तो पढ़ाई चाहिए है, बच्चा आगे जाके और बढ़े और बढ़े और अपना पोजीशन और दिखाए, सब बच्चों ऐसे प्रेरित करता जाए, हम तो यही चाहते हैं। काम का क्या करना, काम करना तो जी हम रहे फालतू, हम कर लें काम तो। तो अब कहीं ना कहीं वो पढ़ाई काम आ चुकी? हाँ जी, काम आ चुकी है जी। देखिए, इनका कहना है कि जो तनु है वो काफ़ी मेहनत करती थी और शायद उसी मेहनत के बदौलत आज उन्होंने नीट की परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित किए हैं। डॉक्टरी बन गई मेरी हमारी पोती, बढ़िया लगा है। किसी की मेहनत करी आपकी पोती ने? खूब करी से जब भविष्य है, कामयाब हो गई हमारी लड़की पोती। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।